और ये यहाँ पे बांध बनाया गया है एक, जो भी बारिश का पानी और जो भी आपकी बारिश होती है इसमें जब नीचे सीलन का पानी, तो हम निकल पड़े हैं। ये हमारे चाचा का लड़का। तो गौरव जी हम कहाँ को जाएंगे अभी सबसे पहले? अभी हम सीधे जाएंगे अपने गांव के चाचा हैं हिंचा, ग्राम प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी उन्हें देंगे हैं, उनको देंगे। चलो वहाँ कुत्ते का डर भी लगता है, उनका लड़का दिख रहा है जा रहा है, वो उनकी बहन लड़की छोटी वाली दिख रही है और वो छुप गई हमसे आगे। चलो यहाँ से देख के आराम से आना। ये देखिए चाचा अभी हमारे यहाँ पे से चाचा, ये तो आ रहे गौरव जी हमारे साथ। चाचा की गायें हैं, मैं बता रहा हूँ, ये चाचा की गायें हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं दीपावली का प्रसाद बांटने गांव में, और क्या क्या प्रसाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं भी, और पूरे गांव का आपको शेयर कराऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारे चाचा के लड़के भावेश पांडे जी, यहाँ पे हैं गौरव पांडे जी, देखिए ये खिले बतासे मिठाई सेब फूल, और जो जो भगवान को चढ़ता है महालक्ष्मी के दिन वो सब गांव में बढ़ता है। हमारे साथ हैं गौरव जी और आप बताएंगे इनको, आज आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं गांव के बारे में। अब यहाँ से निकल रहे हैं और आपको आगे का रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। तो अब गौरव किसके यहाँ जाएंगे अभी हम? अब हम जाएंगे अपने छोटे भाई के समान बड़े, जिनकी दुकान भी है बाजार में, ठीक हो गया, चेतन लोगों के यहाँ, ठीक हो गया। हम चेतन के यहाँ जाने वाले हैं, उनका उपनाम है चेतन और पूरा नाम है योगेश पांडे। वो चेतन है, ये पूर्व ग्राम प्रधान जी हमारे गांव के, हमारे पूर्व ग्राम प्रधान जी, इनका नाम है श्रीमान मनोज पांडे जी। कुत्ता देखिए, इनकी गाय दिख रहे, ये इनकी गाय है जो दीदी बाहर निकलो रे, बाहर निकलो रे, यूट्यूबर बॉय आ गए हैं। बिल्ली भी पालन होता है, बिल्ली पालन, यहाँ बिल्ली पालन है, तो ये तीन बिल्ली। राजा खोलो, अरे अरे नहीं, तीन बिल्ली है। तो गौरव जी बताइए इनको, जल्दी जी दोस्तों, ये हमारे पूजा प्रोग्राम पर है श्रीमान मनोज पांडे जी का घर। अच्छा चले चलो 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 चलो, गौरव जी बता रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, ठीक है जी, हगी एक दिन हगिन, और तबीयत पानी ठीक ठाक बताओ हो? घर बड़ी पढ़ाई चल रहे थे ना? अच्छा चलो ठीक ठीक। हरी सब्जी हो रही है, अच्छा उनका पेड़ भी छोटा छोटा हो रखा, देख नहीं रहा। यहाँ पे पहले एक बादाम का पेड़ भी था ना यहाँ पे, अब काट चुके हैं, नीचे है अभी गलगल। बादाम का पेड़ और ये रहा ऊपर का लीची का पेड़, ये लीची का पेड़। फिर देखिए कितने सारे पेड़ पौधे इनके यहाँ भी, और यहाँ से हम जाएंगे अब जी, पूरा ले गए हैं पूरी। अब यहाँ से हम जाएंगे, हमारा गांव का पंचायत घर आ रहा है यहाँ पे सर। ये क्या है गौरव, यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे? ये पंचायत घर है। क्या क्या होते हैं यहाँ पे? इसे आंगनबाड़ी भी है, अच्छा, और यहाँ बच्चों से छोटे बच्चे होते हैं, हाँ वो यहाँ आते हैं, ठीक, और यहाँ खेलते करते थे पहले, घास हो गए तो अब नहीं करते हैं। ये है यहाँ, हमने भी कभी आया करते थे बचपन में। और ये लीची के पेड़ है ऊपर, ले लीची के पेड़ है, और ये बाथरूम है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इधर पे बच्चों का बात, भूड़ भाड़ होने के कारण यहाँ पे बाघ आके भी डर काफी डर रहता है। यहाँ पे भावेश पांडे जी, भावेश पांडे जी भी बहुत कुछ बता रहे हैं, इनको भी काफी नॉलेज है यहाँ पे। गौरव पांडे जी और भावेश पांडे जी दो सगे भाई हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब हम गौरव जी कहाँ जाएंगे? अच्छा माथ, वहाँ जाएंगे हम दूसरे रास्ते से आएंगे, ठीक हो गया। तो इस टाइप का कुछ गांव है हमारा, ये देखिए। तो ये गौरव जी यहाँ पे ऊपर पे क्या है वो? टैंकी, यहाँ से हमारे गांव में पानी आती है, पानी सप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ से पानी की सप्लाई होती है पूरे गांव में, हाँ। चलो फिर आगे कुछ के आगे हम चलते हैं।
यहाँ पे नीचे पूरी बाखली है नीचे, और हमें भी कहते हैं बीच की बाखली, वहाँ हम जा रहे हैं अभी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये दूसरा गांव आपको जो दूधर दूसरा दिख रहा है, यह सकुनी गांव है। कौन सा है गौरव जी, बताए आपको, बताया गांव कौन सा है? सकुनी गांव है। अच्छा, सकुनी गांव है ये, वो दिख रहा है सामने। ठीक हो गया, बस में हम भी यहाँ को बहुत आया करते थे, जब से यहाँ से गए गांव से शहरों की ओर तो यहाँ आना कम हुआ। गौरव जी हमको सब कुछ बताते हैं यहाँ पे। ये ऊपर टंकी आती है, शायद यहाँ घर में कोई नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है और सबके घर में आज से नींबू हो ही रहा है काफी, क्योंकि सीजन है, सीजन सभी फसलें और फल फूल उगते हैं। ये देखिए पानो जी भी बता रहे हैं हमें, केले के पेड़ भी आपको शायद हर घर में देखने को मिले जाएंगे। अगला घर हमारे गांव का सबसे लास्ट और सबसे ऊंचाई पे अभी ये घर है। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग। ओ जाज। तो देख रहे हैं कि जैसे आप हम गांव का दूसरा घर में भी दे आए हैं, अब हमको जाना है सीधे नीचे वाली बाखली, और दूसरे रास्ते चलेंगे जो रास्ते शायद अब उस रास्ते जाएंगे, अब हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ इस गांव में अनेक रास्ते हैं, आपको दिखाते रहेंगे नई नई चीजें दिखा देंगे। वो ऊपर देख रहे होंगे आप पहाड़ है। आज मंगलवार है और आज है सूर्य ग्रहण और अमावस्या भी है आज, और इस साल की लास्ट सूर्य ग्रहण है और सुबह से लग गया था 4:30 बजे से। तो अब आप आगे दिखाते हैं, गौरव जी और भावी जी आपको बता रहे हैं कैसे लग रहे हैं, जानकारी आप बताइए कमेंट में। यहाँ से कहाँ को जाएंगे? अभी हम कहाँ से आए थे? अभी हम इस रास्ते से आए थे। चलो फिर आप चलिए शुरू करते हैं। यहाँ भी देखिए बंदूक के पटाखे भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, भावी जी अपने साथ बंदूक भी लेके आए हैं पटाखे। देखिए ये गांव का दूसरा रास्ता है और आजकल गांव का तीसरा मकान, काफी भूड़ भाड़ भी काफी है और धूप लग रही है, पास शहरों में तो गर्म हो रहा है तो यहाँ, लेकिन काफी बढ़िया लग रहा है। इस मकान में कोई नहीं है यहाँ पे, भाभी जी यहाँ अंदर ही रखे आते हैं, यहाँ पे से यहीं पे रख दे कहीं भी। और सबके घर में यहाँ पे फूल आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो गौरव जी कौन कौन से फूल आजकल हो रहे हैं यहाँ पे? हाजरी। अच्छा, और गुलाब। ठीक हो गया, गुड़हल। ठीक, और अनेक फूल हो रखे हैं। ठीक हो गया, पूरी का फूल भी, पूरी का फूल भी हो रखा है नीचे। अच्छा, और ये पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए कंटर रखा हुआ है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे भाभी जी? हम बाखली यहाँ से बहुत समय लगता है, समझ नहीं आ रहा रास्ता। ठीक हो गया, समझ नहीं आता है। भाभी जी हमें रास्ता बता रहे हैं, यहाँ से रास्ता नीचे को जा रहा है और यहाँ से एक घर इधर भी है। आजकल अभी धूप होने के कारण भी पहाड़ पे सांप कीड़े बाहर निकले रहते हैं, तो इसलिए बहुत देख के जाना पड़ता है। कभी घास हो रही है, गांव छोड़ के लोग चले गए यहाँ से और शहरों की ओर चले गए, तो अब ये मकान जो हैं सब खंडहर हो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। पहले के टाइम पे यहाँ बहुत लोग रहा करते थे। ये देखिए सब बंद है, छह सात घर रह गए हैं, मतलब जिसमें लोग रहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हम करेंगे बाखली में प्रस्थान और ये सारे घर बंजर हो चुके हैं, ये सब बंद हो गए हैं यहाँ से, अब यहाँ कोई नहीं रहता। अभी बाखली जो है आपकी बहुत बड़ी हुआ करती थी, 7-8 लोग यहाँ रहते थे, अब यहाँ पे कुल मिला के 3 ही लोग यहाँ पे अब रहते हैं। फूल तो पूरे गांव में बहुत है। और ये नीचे दुकान, ये क्या, ये आगे हम बाखली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और नीचे दुकान दिख रही है आपको पीछे उसका छत, ये अभी नई दुकान खुली हुई है। ये देखिए ये है पूरी बड़ी बाखली,
जो कि यहाँ अब ताजे टूट चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे यूट्यूबर रहते हैं नवीन तिवारी व्लॉग्स, यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। अभी भानु को क्या मिल गया भाई जी, क्या मिला है तुम्हें आज? मुर्गा छाप मिल गया यहाँ पे। अब हम अगले घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे मोहित जी लगे हुए हैं काम में, साइकिल को सही करने में। कौन रहते हैं? ठीक हो गया जगदीश चंद्र पांडे जी, ठीक हो गया। तो करो जी, क्या है भावी जी, किताबें ले जा रहे हो आप? हाँ, ये प्रचलन है हमारे वहाँ, जो एक क्लास पास हो गया तो उसके बाद आदमी बच्चे लोग दूसरे उनसे अपनी किताबें ले लेते हैं। लास्ट है एक्सप्लोर विद केपी, ये है हमारे हमारा लास्ट घर बच गया है, हमने जाना है। यहाँ रहते हैं जुगल पांडे जी, कमल पांडे जी, पंकज पांडे जी। क्या रहा, कैसा हो, निपट गया हम सब जगह से? यस, निपट गया है। सिर्फ आप बाजार के 3 लोग रहे हैं। अच्छा, 4 लोग बाजार के रह गए हैं यहाँ पे, बाजार के। बाजार में तो अभी जाऊंगा नहीं, गौरव जी लोग अगर जाएंगे तो अभी, तो हम चलते हैं आपको बैकम से दिखाते हैं। चले गए यहाँ से, ये है हमारी कच्ची रोड और यहाँ से पूरा गांव, वो ये ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है। कहाँ पे पड़ा था वो? ठीक हो गया। इसमें इंद्रदेव जी ने अपना जो बर्ज कहते हैं, जो कड़कताई बिजली कितने नाम है उसके, वो इस पेड़ में पड़ा हुआ था। ये भी निशान दिख रहा होगा आपको, घास काटना भी रह गया है लोगों का, अभी बहुत ही घास दिख ही रहा है। अभी असोच तो चले गया लेकिन घास कटा नहीं है अभी। देखिए ये है पूरा गांव, आज आपको हमने पूरा गांव दिखा दिया। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ये है नीचे पूरा मार्केट एरिया, आपको देखिए पूरा मार्केट एरिया है नीचे को। ये और ये हमारा मंदिर, जो आप मंदिर देखा होगा आपने मेरी वीडियो में, परसों की वीडियो मैंने डाली थी जो उसमें आपको देखा होगा नीचे वाला मंदिर। और ये आप मंदिर है मैया का, वहाँ दुनागिरी मंदिर। तो जी स्कूल कब से खुल रहा है आप? 1 मार्च से खुल रहा है। 1 तारीख से? 1 नवंबर से। ठीक हो गया। कब से मिला? परसों से। कितने दिन का है? 5 दिन का, इस बार कूपन वाला भी है। अच्छा, और इस बार देखने के 50 रुपए लग रहे हैं। ओहो, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसे लगा हमारा गांव जरूर बताएं, और आगे की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको अपने गांव में, जहाँ से पानी आता है, कहाँ से सप्लाई होता है पानी। और यहाँ पे अभी ग्राम प्रधान द्वारा एक स्वजल परियोजना में यहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगाया गया है टाटा मोटर्स का द्वारा। बड़ी भयंकर ये रास्ता जो है पूरा दलदल भरा हुआ रास्ता है। ये देखिए जो पानी छूट के आता है यहाँ पे, ये है सारा पानी। आपको दिखाऊंगा ये पानी कहाँ पर से आ रहा है। यहाँ पे काफी पेड़, इसी के चक्कर में पेड़ हो रखे हैं कि पानी यहाँ पे, देखिए दलदल है पूरा। अगर यहाँ पे कोई फंस गया ये देखिए तो काफी दिक्कत आ सकती है। ये देखिए कितना गंदा पानी, यहाँ पे दलदल का पानी देख सकते हैं आप, मेरे पाँव पूरे डूब चुके हैं इसमें। मैं बीहड़ गिल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, अपने गाँव का पेट्रोल सॉरी पानी का पंप, पेट्रोल पंप तो कहाँ है गांव में। हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये है अपना पंप जहाँ से हमारे पूरे बग्वाली पोखर नहीं पनेर गांव में पानी का हमारा जाना होता है। यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जानवर के पैरों के निशान भी हैं, क्योंकि ये बाघ का अड्डा है। देखिए कितना घना जंगल है, ऊपर सीधे पहाड़।
ये इसके जो आपका सोजल पनीर जो पनीर गांव की जो स्थापना हुई थी यहाँ से पानी में की हुई 1998 में। ये देखिए आप देख सकते हैं, आज हम दिखाएंगे आपको इसके अंदर कि कहाँ से, ये देखिए अंदर से यहाँ दलदल भर रहा है, ये सब पानी खींच के ऊपर आता है। ये देखिए यहाँ मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, ये लगे पड़े हैं अंदर देखिए मीटर सारे पानी के। इधर ये हो गया, ये देखिए यहाँ से पानी जाता है पूरे ऊपर, सप्लाई यहीं से होती है पूरी, देखिए आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कुआं कहाँ पे है और जहाँ से पानी इकट्ठा होके फिर ऊपर जाता है। योजना ये थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें ही ये जो बांध बनाया गया है आपको दिखा, ये देखिए जहाँ पे बांध बना हुआ है यही वो बांध है। देखिए पूरा पानी यहाँ से एक टाइम पे यहाँ पे पानी पूरा रिसता हुआ जाता था और ये यहाँ पे बांध बनाया गया है। एक जो भी बारिश का पानी और जो भी आपकी बारिश होती है इसमें जब नीचे सीलन का पानी कम कहते हैं वो जब आता है तो यहाँ पर इकट्ठा होता है। ये अभी अभी हमारे ग्राम प्रधान द्वारा ये योजना लाई गई थी, अभी ये काफ़ी कम है। अभी देखिए अभी यहाँ पर ऊपर अभी बीच में पूरा ऊपर था भरा हुआ था और ये देखिए अभी यहाँ तक का बारिश के टाइम भी ऊपर तक भरा आता है। यहीं से ही पानी जब जब गर्मी के दिनों आएंगे, गर्मी के दिन में जब सारी बहुत गर्मी पड़ेगी तो गाँव में पानी कमी हो जाती है तो इसी से ही उस टाइम पे काम चलाया जाएगा। काफ़ी गहरा भी है, शायद 5 फुट तक का हो सकता है गहरा होगा। आप देख सकते हैं पेड़ के कितने नीचे यहाँ पे तक एक डूबा हुआ है। यही देखिए यहाँ से कुआं है, ये देखिए यहाँ से पानी जाता है, ये लगी है जो पाइपलाइन सीधे जा रही है और सीधे वहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाया अभी मैंने पंप पे वहाँ पे जाती है। और ये ऊपर चंकल से सीधे पाइपलाइन देखिए आप ये जा रही है यहाँ से सीधे ऊपर से, यहाँ से पानी सीधे ऊपर चढ़ता है ऊपर टैंकी में जो आज सुबह आपको वीडियो में मैंने दिखाया था। जैसे देखिए इसी से दिस रहा है ये पानी अभी, ये देखिए आप पानी देख सकते हैं, यही पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है इसी में ही बांध में। एक टाइम बहुत ज़्यादा ही रिश्ता था, अब यहाँ पे ये परियोजना बनाने के बाद ये काफ़ी अब सही हो चुका है। तो कैसा लगा आपको बांध बताइएगा। पानी है अनमोल रतन, इसे बचाने का करें जतन, आओ बचाएं वर्षा जल और सजाएं अपना कल। ये आपकी जो लाइनें हैं यही इसको दर्शाती हैं यहाँ पे कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसको ही बचाने के लिए यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए बांस, देखिए बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये यह आगे आपको देखते रहेंगे। और यहाँ से चीड़ के पेड़ सारे हटा के यहाँ पे जब बांस के पेड़ होंगे तो उससे यहाँ पे सीलन रहेगा और जिससे पानी इकट्ठा रहेगा। यही वो रास्ता है जहाँ से डेली सुबह शाम हमारे पापा जी आते हैं, उनका ही काम है यहाँ पे पूरे गांव में पानी प्रदान करने का। इस पौधे को कौन कौन जानता है और ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस चीज़ काम आता है। ये देखिए ये है वो बांध ऊपर से देखिए काफ़ी बड़ा है, ये देखिए बारिश के टाइम पे पूरा भरा जाएगा बारिश के पानी से, ये देख सकते हैं आप।